को पढ़ाते हुए तो देख ही लिया बहुत सारे बच्चों ने। सर की भी एक बहुत बहुत बेहतरीन आदत है कि वो फोकस्ड है, ये चीज आपने महसूस किया। आना है, पढ़ाना है। मैं सर से कभी कभी गलत हूँ क्योंकि मैंने एक जिम्मेदारी शिक्षक के साथ प्रबंधक की ले ली। हाँ, प्रबंधक पे भी थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा। एक शिक्षक प्रबंधक बनता है तो कितनी कठिनाई होती है वो मैं जानता, क्योंकि मेरा भी विषय पूरा का पूरा करेंट है, तो बड़ा दिक्कत होती है। सर फोकस्ड है, मेंस हुआ, अब पीटी होगा, क्लास प्रॉपर। मुझे लगता है कि आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड, तो सर से केवल इकोनॉमी ही आप न सीखे, सर से बाकी चीजों को भी सीखे। थैंक यू वेरी मच। और कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद कल से हम लोग विधिवत रूप से इस कोर्स को शुरू करेंगे। तो थोड़ा सिलेबस अगर हम देखते हैं, अगर आप फर्स्ट पॉइंट लें इसमें, तो आप यूपीएससी सिलेबस देखेंगे हम लोग। यूपीएससी सिलेबस इंडियन इकोनॉमिक्स, सिलेबस अगर आप इसका देखते हैं तो ओवरऑल ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दिखेगा आपको। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एक हेडिंग नजर आएगा, उसमें फिर इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको दिखेगा जिसमें पॉवर्टी, इंक्लूजन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव्स, एटसेट्रा। सिलेबस पे विचार करें तो पॉवर्टी, इंक्लूजन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, इसमें एक टॉपिक इनके साथ डेमोग्राफिक्स का भी दिया हुआ रहता है इन्हीं के आसपास, तो वो डेमोग्राफिक्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, डेमोग्राफिक्स जिसको आप जननांकी कह सकते हैं, जननांकी है। इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ों का डिस्कशन होता है और ये भूगोल वाले पार्ट में ज़्यादा इसकी चर्चा होती है, तो ये इसके साथ डाला हुआ इन लोगों ने। बाकी इकोनॉमिक्स में ये पॉवर्टी, इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, ये लैंग्वेज है। इतना सा सिलेबस है पीटी का, लेकिन सिलेबस को देखने से सिलेबस का पता नहीं लगता है कि आपने केवल सिलेबस देखा जिसके आधार पे आप पता लगाने की यही पढ़ना है। तो इसके लिए अनसोल्ड पेपर्स देखने पड़ते हैं और खास तौर से आपको अनसोल्ड पेपर्स 2012 और उसके बाद की लेने चाहिए। 2012 में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल थे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आपको ये रेंज समझ में आएगी कि अलग अलग रेंजेस से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, प्लस उनका टफनेस कितना है, मतलब क्लिष्टता का स्तर क्या है। इसलिए 12 से स्टार्ट करोगे आप, 12 से लेकर 18 तक का प्रीलिम्स के अनसोल्ड पेपर्स लोगे, सोल्ड नहीं लेने हैं, अनसोल्ड पेपर्स लेने हैं। उनसे फिर आप इसका अक्षांश और देशांतर
तय कर पाओगे कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और आगे किस तरह से यूपीएससी सवाल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2016 के पीटी पेपर में जितना मुझे ध्यान आ रहा है, राइट, मैं उस तरह से बात करूंगा आपके मुझसे। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो एक पूछा गया था BPS करके, ये क्या है इसमें हम नहीं जाएंगे आज, तो हम समझेंगे केवल, मैं रेंज बताऊंगा इसकी कि ये वहाँ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको समझना नहीं शुरू करेंगे हम लोग क्योंकि क्लास नहीं है ये, राइट। लेकिन BPS ये G20 राष्ट्रों की एक प्रोजेक्ट है, G20 राष्ट्र जो है उनकी एक प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य होता है कि टैक्स अवॉइडेंस को कैसे रोकें। टैक्स अवॉइडेंस, एक होता है टैक्स इवेजन, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस को हम कैसे रोकें, तो कई बार कंपनियां क्या करती है कि मल्टीनेशनल्स खास तौर से जो कई राष्ट्रों में चलती है, तो जैसे जैसे आपके प्रॉफिट के लेवल बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए इसको, आपको सिलेबस समझना है ना, तो सबसे पहले फ्रेम नहीं पकड़ में आएगा तो तैयारी क्या करोगे आप। लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, सफिशेंट नहीं है, मतलब नेसेसरी है बट सफिशेंट नहीं है। तो पहले फ्रेम भी समझा जाना चाहिए, उतना धैर्य हर किसी के पास होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं या एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है सपोज, तो हम ज़्यादा कर की स्लैब में चले जाते हैं। अगर हम ऊपर की इनकम को किसी और जगह शिफ्ट कर दें तो उस स्लैबिंग से बच जाएंगे। तो कई बार कंपनियां क्या करती है कि मल्टीपल उनके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज होते हैं तो वो उनमें प्रॉफिट शिफ्ट करती है। इसको, इसका पीछे वाला पार्ट देखो आप, PS, प्रॉफिट शिफ्टिंग। BE का मतलब होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। भूगोल में पढ़ते होंगे ना आप इरोजन, अपरदन क्या कहते हैं उसे, आई जस्ट, मतलब हिंदी का नहीं वर्ड मुझे ध्यान आ रहा है, अपरदन ही कहते हैं उसे। तो लगातार पानी गिर रहा है तो अपरदन हो रहा है इससे, बाकी मेरे को भूगोल से मतलब नहीं है, मैं समझाना। तो लोग क्या करते हैं कि बेस को इरोजन करना शुरू कर देते हैं शिफ्ट करके प्रॉफिट, इससे वो टैक्स से बचते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस, जिसमें आप वैधानिक विधियों का प्रयोग करके कर देने से बचना चाहते हैं। अब आप, ये सवाल 16 में आया, ठीक है, इनमें से आप देखो, ये सिलेबस है आपके सामने, पॉवर्टी, इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ फिट हो रहा है ये? कहीं नहीं फिट हो रहा है ना, ये यहाँ फिट हो रहा है। लोग क्या करते हैं, ये इसकी क्या वैल्यू है, इनको देख लेते हैं, ये तो कहते हैं कि ये तो आदित्य की वजह से आया हुआ वर्ल्ड है, जैसे हर जगह हम कहते हैं इत्यादि, तो वो उनको पता ही नहीं लग रहा है कि इत्यादि इतना पावरफुल है कि अगर टोटल सवाल 20 आते हों तो 15 इसमें से होंगे, 5 बाकी सब में से होंगे, ये विभाजन दे दिया, ये भी मैंने ज़्यादा लिख दिया। अच्छा, और ध्यान से समझो, ये जो 5 मैंने लिखे इसमें से 4 आपके यहाँ से होंगे, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव से, प्लस एक का कॉम्बिनेशन है, यानी इस पे भी बात करेंगे। पहले इसका महत्व तो समझ आ रहा होगा कि 20 सवालों में से 15 सवाल एटसेट्रा पर आ रहे हैं जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। छात्र कई बार आंदोलन करते हैं कि हमारे मुद्दे यूपीएससी नहीं सुन रही है, हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम है, सही मुद्दे नहीं उठाते हैं।
सही मुद्दा क्या है कि आप उनसे पूछो यूपीएससी से कि इट्सेट्रा वर्ड क्यों लगाया आप, इसकी व्याख्या चाहिए, या हमारे अंदाज पर हमें छोड़ा जा रहा है कि आप ही अंदाज लगा लेना पुराने पेपर के आधार पर कि इसमें क्या आएगा। एक रीजनेबल बात है, खैर वो एक अलग मुद्दा है, बट इस एट्सेट्रा को समझने के लिए आपको पुराने पेपर लेने पड़ेंगे। 2018 का पेपर उठाइए जो इसी से जुड़ रहा है वापस, बीईपीएस 2016 में आया, ओके। अब 2018 में एक सवाल पूछा गया गूगल टैक्स, तो ये अब अच्छे से दिख रहा होगा। मैं बातचीत के क्रम में ये थोड़ा स्लिप मार गया था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि पॉवर्टी इंक्लूजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सब से कुल मिला के 4 प्रश्न 5 प्रश्न आ रहे हैं और एटसेट्रा से 15 आ रहे हैं, अगर हम ये मान के चलें कि टोटल आइटम्स 20 होते हैं तो ठीक है। अब मैं कुछ एटसेट्रा को समझा रहा हूँ, इसमें बीईपीएस का एक एग्जांपल मैंने लिया और मैंने आपको समझाया कि टैक्स अवॉइडेंस से जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा टैक्स अवॉइडेंस का संबंध इनमें से किसी के साथ नहीं है। और गूगल टैक्स आ गया, ये भी इनसे नहीं जुड़ रहा है। गूगल टैक्स हमने 2016-17 में लगाया था, ठीक है, इसका लक्ष्य भी टैक्स अवॉइडेंस को रोकना है और ये टैक्स इसी प्रोजेक्ट के अंदर लगा था। बीईपीएस नाम की जो परियोजना है जिसका भारत भी सदस्य है, उसके तहत भारत ने ये टैक्स इम्पोज किया। तो जब पीटी की क्लास चलेगी तो इसका नंबर भी आएगा, आप चिंता नहीं करें, लेकिन मैं समझाने के लिहाज से आपको ये बात अच्छा। एन के सिंह कमेटी के ऊपर भी 2018 के पीटी पेपर में आपको सवाल दिखेगा, जिसमें राज्यों के ऋण जीडीपी अनुपातों के बारे में पूछा गया था, ट्रेजरी बिलों पर सवाल था। ऐसे कई सवाल ले सकते हैं जिनका पॉवर्टी इंक्लूजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल सेक्टर इनिशिएटिव से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर सवाल अलग अलग क्षेत्रों से पूछे जा रहे हैं तो उनको टैकल करने की मैंने अपनी रणनीति बना रखी है, उस पर मैं अलग डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले हम यूपीएससी के सिलेबस को समझना चाह रहे हैं, राइट, सवालों की नेचर भी पकड़ना चाह रहे हैं और सिलेबस को समझना चाह रहे हैं। तो ये तो बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि हमें कई टॉपिक्स पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर प्रश्नों को पीटी में सही कर पाएंगे। और कई लोगों के लिए पीटी एक बहुत बड़ी बाधा होती है, पहले भी शायद मैंने कहा होगा कि टीना डाबी एक बेहतरीन एग्जांपल है इसमें, कि उनका पीटी में सिलेक्शन उतना आसानी से नहीं हुआ लेकिन वो टॉप कर गई यूपीएससी पर। इसका मतलब पीटी एक अलग तरह की चुनौती है और जो लोग मेंस में मास्टर हैं वो पीटी में भी मास्टर होंगे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि यूपीएससी में आपको एंट्री लेनी है तो पीटी के रूट से तो जाना ही पड़ेगा, तभी आप मेंस की मास्टरी को शो कर सकते हैं। तो इस फॉल्ट को तोड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसमें ज़्यादा काम नहीं है इकोनॉमिक्स में, जो मैं बताऊंगा अपनी क्लास का सिलेबस उस पर आपने ध्यान दिया तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं नहीं जानता कि आगे क्या लिखा हुआ है, बट अगर 20 सवाल आते हैं तो मैं कम से कम नहीं तो आपको 12 से 14 के बीच में तो ले जा सकता हूँ। ये मैंने अपने आप को खींचा बहुत ज़्यादा बोलते समय, तो मेरा मन नहीं कर रहा था 12 से 14 बताने का, मेरा मन ज़्यादा बताने का कर रहा है, लेकिन मैंने कहा पहले कम बताओ ताकि समस्या खड़ी ना हो
आगे जाके क्योंकि आखिर है तो ये परीक्षा, तो पेपर सेटर कोई और होता है, हम तो है नहीं, लेकिन हाँ इससे नीचे तो मैं नहीं जाने दूंगा। 12 भी 20 में से आप कर पाते हो तो 60% स्कोर है आपका इकोनॉमिक्स में, आप बाकी को संभाल लेना। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप इकोनॉमिक्स में बचाव वाली रेंज में जाएं, मैं ये चाहता हूँ कि वो आपको दूसरे कमियों को पूरा करने का काम करे। तो अगर साइंस या कहीं पर भी कोई कमी छूट गई और दो चार सवाल नीचे चले गए तो इकोनॉमिक्स में आपको इतना एडवांटेज रहे कि वो गैप को भर दे आपके। इस तरह से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये बातें, तो एक मैंने आपको ये बताया कि सिलेबस में क्या है। अब ये जो सिलेबस छोटा लिखा हुआ है तो इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम दूसरा क्लास सिलेबस लिखेंगे। तो आप सेकंड ये पे, फर्स्ट चल रहा था, सेकंड पे आइए। क्लास सिलेबस यूपीएससी पीटी इंडियन इकोनॉमी, इसको हमने एक कुछ चैप्टर्स में विभाजित किया है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो कल से हमारी क्लास में शुरू होगा उसे लिखें, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय और उत्पाद, दोस्तों वैसे आपने कई जगह ऑब्जर्व किया होगा कि मनी बैंकिंग से क्लास शुरू हो जाती है पीटी की, ये बच्चों को रेपो रेट, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, ये सब अच्छे लगते हैं। सीआरआर, एसएलआर, बैंकों में एनपीए का मुद्दा, तो मनी बैंकिंग बीच में क्या इसका रोल, मतलब स्टार्टिंग में इसको पढ़ाने का क्या पॉइंट बनता है। मैं लोकप्रियता से नहीं चलता दोस्तों, जिसको आलोचना करनी है वो करे, जिसको तारीफ करनी है वो भी करे, मुझे अपना काम करना है। सर काफ़ी सीमा तक सही है इस बात को कि मैं अपने काम में फोकस दूँ और मैं किसी चीज को नहीं देखता, सिर्फ मेरा वर्क है मेनली। क्यों? क्योंकि आप सुनना स्टार्ट कर देंगे लोग तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपका सबसे पहला दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खुद मन देवता सबसे बड़ा देवता होता है, मैं उसी की मानता हूँ सबसे पहले। जिस दिन हम अपनी नज़र में खराब हैं तो फिर किसी की नज़र में अच्छे होने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं स्टूडेंट को समझता हूँ, तो मेरे हिसाब से क्या सही है। और जब मैं इस क्षेत्र में उतरा पढ़ाने के लिए, मैंने किसी के नोट्स नहीं लिए, मैंने भी कहीं से शुरू किया होगा कि डायरेक्ट में पढ़ाने लग गया इस तरह, धीरे धीरे कहीं से स्टार्ट लिया होगा। मेरे मन में भी लालच आए होंगे कि नहीं, मैं दूसरों के सबके नोट्स इकट्ठा करता हूँ सबसे पहले, तो जो एक आम तरीका होता है जो टीचिंग में उतरता है। और मेरे कुछ छात्र हैं जो मतलब टीचिंग में उतरे हैं,
मैंने उनको सख्त मना किया, वो मेरे से टिप्स मांगने आए, तो मैंने उनको कहा कि ये जो तुम कर रहे हो इधर के नोट, ये सब से टीचिंग नहीं होती है। आपने खुद ने यूपीएससी दिया तो आपने समझा होगा ना इस क्षेत्र को क्या ज़रूरत है, इस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट क्या है, तो दूसरों से तुम्हें क्या मतलब है, अपना देखो कि आप क्या कर सकते हो। तो मैंने कभी किसी को, किसी ने कहा नोट्स लिख दो, बढ़िया नोट्स लिखा के मार्केट में रख दो इसे, तो इससे प्रचार होगा। मैंने कहा मैं इसे अच्छा अपना काम छोड़ दूंगा, मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, अपने आप नोट्स मार्केट में अपने आप आएंगे चलेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं। तो हमें किसी से क्या मतलब है, जो सही है उस पे चलना है। एक स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पाया कि इस देश के प्रोडक्शन पैटर्न को, प्रोडक्शन की स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर तय करते हैं, उत्पादन कैसे होता है, मांग का उसमें क्या रोल है, सप्लाई का उसमें क्या रोल है, लागत क्या होती है, कीमत क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी का मूल्यांकन फैक्टर कॉस्ट पे हो रहा है तो क्यों करते हैं, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम में क्या तारतम्य है, किन्स का अर्थशास्त्र क्या है, कोई राष्ट्र एक्सपोर्ट को आगे रखकर ग्रोथ लाते हैं तो उनको क्या दिक्कत आ जाती, मतलब फंडामेंटल्स प्रोडक्शन के जब तक आप नहीं जानोगे तो मनी बैंकिंग, तो मनी देश के अंदर उत्पादन थोड़ी है, मुद्रा को उत्पादन कहते हैं क्या। तो ऐसा अगर बात होती तो अफ्रीका वाले कंट्री सबसे पहले यही काम करते, नोटी नोट छाप देते। भारत भी काफ़ी समय तक बाहर की एड लेता रहा, दबाव में आता रहा, नहीं लेते हम एड, संप्रभु है ना, हम नोट छाप सकते हैं। हमारे देश के नोट छापने के कानून को विदेशी लोग थोड़ी तय कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते हम। इतनी माथापच्ची जो आपने अखबारों में पढ़ी कि रिजर्व बैंक सरकार दबाव बना रही है, तरलता बढ़ाओ, इतनी सरकार क्यों बहस कर रही थी आरबीआई के साथ। आरबीआई का जो सिस्टम चलता है वो जून, मतलब 30 जून तक रहता है, जुलाई से जून का चलता है, तो सरकार को प्रॉफिट मिलते हैं आरबीआई से। आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि सरकारी उद्योग ही सरकार को प्रॉफिट नहीं देते हैं, आरबीआई भी प्रॉफिट देता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए, दूसरी ये ध्यान में रखिए कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है आरबीआई, लेकिन प्रॉफिट का टाइम होता है ना कि अब रिजल्ट आ रहे हैं, ये प्रॉफिट है तो अब हिस्सा सरकार को जाएगा, सरकार पहले ही मांगना स्टार्ट कर दिए, उसको अंतरिम लाभांश कह के सरकार पहले लेना चाह रही है। तो कभी आपके मन में नहीं आया, अप्लाइड नहीं पढ़ोगे आप दोस्तों किताब पढ़ने से यूपीएससी कैसे होगा, समझने वाली बात है। तो सरकार जानती है इस चीज को कि केवल नोट छाप कर और अन्य तरीकों से हम देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। उसी व्यवस्था के अंदर जो तरलता है उसी को घुमा कर लाना चाहती है, तरलता की टोटल वॉल्यूम नहीं बढ़ाना चाहती। जैसे आपका पैसा मेरे पास आ जाए, सरकार आपसे टैक्स ले ले, तो काले धन पर इतना हंगामा और जोर क्यों दिया गया, छोड़ दो जो नहीं दे रहे हैं टैक्स, क्या जरूरी है। सरकार कह रही है विकास के लिए हमें धन चाहिए, तो धन जनता से क्यों ले रहे हो, खुद ही कर लो धन, तो नोट छाप लो। लेकिन नोट छापने से विकास नहीं होता है दोस्तों, विकास मानव पूंजी से होता है, विकास भूमि से होता है। आप सब लोग मेरे से मेंस पढ़ चुके हो, काफ़ी चीज़ें आपको मेंस में ही क्लियर हुई होगी कि ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। खेत है बट उनका ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, छोटे छोटे खेत हैं, ऑर्गेनाइज सही नहीं किया, तो इसमें नोट क्या कर लेंगे, नोट खेतों के टुकड़ों को रोक देंगे,
फिर तो मनी बैंकिंग का क्या रोल है? मनी बैंकिंग इतना ही काम तो करती है कि आपके लेन देन को स्मूथ बना देती है। अगर आपके पास एप्पल ज्यादा और आप अमरूद लेना चाहते हैं तो एप्पल बेच दीजिए, पैसा लीजिए और फिर उससे अमरूद ले आइए। लेकिन अमरूद वाले को एप्पल देना चाहेंगे तो क्या पता उसको नहीं जरूरत हो एप्पल की, तो उससे जबरदस्ती करोगे क्या कि नहीं भाई एप्पल खानी पड़ेगी और तुम्हें हमें अमरूद देना ही पड़ेगा। वो कह रहा है सुनर यू लीव फ्रॉम दिस प्लेस इट्स बेटर फॉर यू। लेकिन एप्पल बेच के पैसा, और मेरे जैसे लोग तो बाल भी नहीं कटवा पाएंगे ना ही से, राइट? थैंक यू। ये बहुत अच्छे आदमी है, आई अप्रिशिएट हिम एंड हिज एटीट्यूड। तो मुझे मेरे जैसे आदमी से तो ना ही बाल ही नहीं काटेगा मेरे, क्योंकि वो कहेगा, मैं कहूँगा मेरे पास तो भाई एक ज्ञान है जो ले सकते हो तो दे दो, कि मेरे को ही आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल। फिर इसका मतलब साफ ये हुआ कि फिर मुझे अपने बाल खुद काटने पड़ेंगे जब कोई नहीं काटेगा, तो विशिष्टीकरण नहीं हो पाएगा। जो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ ऐसे मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगा। सर को कहूँगा कि सर टाइम ही नहीं है, एक तो दूसरे काम बहुत सारे हैं। तो दोस्तों यही बात है, इसलिए मुद्रा से देखो समझो इस चीज़ को। हंसी मजाक का तो मैंने एक तरीका लिया आप लोगों के लिए, ये डिक्लेयर करता हूँ कि जावेद हबीब से मैंने कभी बाल नहीं कटवाए। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतनी लग्जरी मैं नहीं उठाता हूँ दोस्त। तो वो भी, उस जावेद हबीब भी अपने आर्ट में मास्टर हो जाएंगे, उनके बच्चे को यूपीएससी करना होगा तो वो आराम से भेज देंगे यहाँ, क्योंकि मैं तो उनसे बाल कटाने वाला हूँ नहीं, लेकिन वो पैसे कमा के उनकी फीस भर देंगे और ये काम चलता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों मुद्रा का महत्व वहाँ जाके आ रहा है, पहले समझे ही नहीं, उत्पादन को पहले ही मुद्रा में पहुँच गए। इसलिए दोस्तों आपको क्या पसंद है ये मुझे नहीं देखना, आपके लिए क्या अच्छा है ये मुझे देखना है। उस हिसाब से दोस्तों सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें शुरुआत में जोर पड़ेगा, अभी क्लास तो चालू होने दो आप। जितना हंस रहे हो ना उतने सीरियस हो जाओगे कल से। और ये मेंस नहीं है, पीटी एक और इकोनॉमिक्स आएगा इसमें, तो बहुत जोर पड़ेगा। इसलिए ये भी मैं कहूँगा आपको कि आराम से जोर मतलब रेस्ट करके फिर क्लास में आना, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके। ऐसे नहीं कि रात को 4 बजे तक पढ़े और यहाँ आके फिर आप सोने की मुद्रा में आ जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के आप क्लास अटेंड करोगे तो 1-to-1 चीज़ समझ में आएगी आपको। इसमें क्या होगा कि जैसे GDP से क्लास शुरू करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को, तब इसमें कॉमर्शियल वर्ड्स आ रहे हैं, अंतिम वस्तु बाजार मूल्य। तो क्या होता है कि कई छात्र जो होते हैं वो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं होते हैं इस चीज़ को, इसलिए शुरू में उनको कठिनाई होती है। लेकिन आप उससे डरना नहीं, आराम से मैं समझाऊंगा और आप हर चीज़ को समझ जाते हो जहाँ तक मुझे लगता है, तो आराम से वो क्लास चलेगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन इसको, ये टफ है इसलिए इसको लास्ट में कर दें, ये तरीका अच्छा नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको लेंगे। अच्छा, हर साल का पेपर देखिए आप, कुछ ना कुछ एक आधा साल छूट जाए, अदरवाइज इससे प्रश्न जरूर आते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों हर परीक्षा में दिखेंगे आपको, UPSC में दिखेंगे, स्टेट PCS की परीक्षाओं में दिखेंगे, SSC में दिखेंगे, CPF, CDA, CDS और इस तरह की परीक्षाओं में दिखेंगे। तो ये एक ऐसा, इकोनॉमिक्स में इसको हटा दिया या किसी परीक्षा ने इस टॉपिक पर सवाल नहीं पूछे तो फिर उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर उनको इकोनॉमिक्स हटाना पड़ेगा वहाँ से। अगर ये चैप्टर ही ना हो या इस पर बेस्ड प्रश्न ना हो तो इकोनॉमिक्स फिर किस लिए पढ़ा जाना चाहिए? तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम संसाधनों का दोहन किस प्रकार से कर रहे हैं,
और उस दोहन को हम कैसे मापें जीडीपी जीएनपी के रूप में, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को कैसे बदलाव करें, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या अंतर होते हैं, इस तरह की सोशलिस्टिक भी इसमें चैप्टर आएंगे, बातें आएगी और कोर इकोनॉमिक्स भी चलेगी। तो ये हमेशा दिखेगा आपको ये प्रश्न। जैसे आपने पुराने पेपर देखे होंगे, पिछले एक दशक में भारत का जीडीपी लगातार बढ़ा है, पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट लगातार बढ़ी है। इस साल का पेपर देखिए, बचत की दरें अच्छी होने के बावजूद भी ग्रोथ ज़्यादा नहीं आ पाती। ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के तहत आपको पढ़ाया था मैंने मेंस में। तो कुछ ना कुछ सवाल इस पर रहते हैं, दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक आधा ज़रूर रहता है इसमें। फिर ये जब ख़त्म हो जाएगा तो हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, जिसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। इसका हिंदी में नाम लोक वित्त है। ये एरिया भी बहुत सिग्निफिकेंट है आपके सवालों के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण बन रहा है। तीन तीन सवाल, चार चार सवाल तक आ जाते हैं लोक वित्त से। जैसे भी गूगल टैक्स आपको बताया, ऐसे ही एनकी सिंह कमेटी के बारे में भी आया, ऐसे ट्रेजरी बिल वगैरह, क्योंकि ट्रेजरी बिल सरकार के लिए आरबीआई निकालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे सरकार को फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है, सारे टैक्सेज आ गए इसके अंदर। एकाग्रता रखना दोस्तों आप, ठीक है, ध्यान मेरी क्लास में भटकता नहीं, मुझे खराब लगता है ये, इसको ये बंद नहीं हो सकते। अच्छा कोई नहीं, तो लोक वित्त के अंदर सारे घाटे पढ़ेंगे हम लोग, राजकोषीय, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, पूंजीगत घाटा, जितने भी घाटे हैं, जितने भी टैक्सेज हैं, जो फेमस टैक्सेज हैं वो सारे आएंगे। जीएसटी लेंगे इसमें, जीएसटी पे भी एक सवाल था इस साल की पीटी में, तो तीन तो वैसे ही मैंने गिना दिए आपको। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ये इसमें आएंगे। टैक्स अवॉइडेंस आएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गूगल टैक्स और ये, टैक्स इवेजन आएगा, काला धन आएगा, और ये टैक्स अवॉइडेंस इसमें आएगा। क्या क्या स्कीमें हैं हमारे देश की, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, सब क्लास के अंदर मैं डिक्टेट कराऊंगा। यहाँ से जो आपको मटेरियल मिलता है वो अपनी जगह है, और उसमें मेरा कोई योगदान या डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, वो अपने स्तर पर आप उसको यूज करें। न मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, न मैं उसको देखता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, यहाँ की नहीं, कहीं के भी, साथ में सप्लीमेंट्री हर जगह मिलता है। और सर वैसे ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सारी ऑथेंटिसिटी को लेकर मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट है। बाकी ये है कि मैं मेरे नोट्स में ही आपको डिक्टेशन कराऊंगा हर चीज़ की, जैसे हमने मेंस में किया, और जो भी अपडेशन होगा वो सब मैं कराऊंगा। और आपकी क्लास से मैं वैसे क्या सर्वे अभी आया नहीं है, बट एक अनुमान अभी रिलीज हुए हैं, वही सर्वे में आएंगे। तो राष्ट्रीय आय की जब मेरी क्लास चलेगी तो वो एडवांस में सर्वे आपके नोट्स में होगा, फिर उनको मैच करना सर्वे आने के बाद, तो आपको दिखेगा कि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, खास तौर से राष्ट्रीय आय को लेकर। तब तक हमारा टाइम और थोड़ा आगे बढ़ेगा, जब तक सर्वे आने का टाइम और पास में आने लगेगा, तो फिर देखेंगे उसको और कैसे इंटीग्रेट करना है। सर्वे में नया कुछ नहीं आने वाला है, जो एक साल में हुआ वही उसमें आने वाला है। तो हो सकता है कि वैसे तो सर्वे से 10 गुना आपकी क्लास में अपडेशन होगा हर टॉपिक में, क्योंकि मुझे मालूम है एज ए टीचर कि सर्वे उतना अच्छा कवरेज नहीं दे पाता है, और आंशिक रूप से उससे काम चल सकता है। हालांकि लोग इस बात को जानते नहीं है, इसलिए वो सर्वे को ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं कि सर्वे पढ़ लिया तो सारा अपडेशन हो गया। वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, और फिर सर्वे के साथ आप मिला के देखना तो कई फैक्ट्स
सर्वे में नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है अपने एंड पर। आप किसी का भी करंट क्लास करते हो, मैगजीन लेते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं अपने हिसाब से आपको अपडेट कराऊंगा, और अगर आपको लगे कि वो भारी पड़ रहे हैं जो आप दूसरे वैकल्पिक जो इंतजाम आपने कर रखे हैं, तो आप मेरे नोट्स को आधार बना सकते हो। मैं सेलेक्टिव पढ़ाऊंगा और मेरे ही अनुभव है मेरे पास, तो वो अनुभव के हिसाब से कभी खाली नहीं गया है कोई चीज, ठीक है। तो वो क्या कि जो करंट की चीजें आती है, वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ डालने की कोशिश करते हैं, वो चुनौती स्वीकार नहीं करते, कि वो चाहते कि उन पर कोई ब्लेम ना करे, तो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दे देंगे आपको, फिर बाद में क्लेम करेंगे देखो हमारी नोट्स में से इतना आया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सपोज मैंने जो इस तरह से पढ़ाया, उससे आप दो सवाल नीचे चले गए मेरी वजह से मान लीजिए, तो मैंने आपके टाइम को कट शॉर्ट कर दिया ना। अब उतने करंट को आपको याद करने के लिए ज्यादा दिन खप गए और कन्फ्यूजन हो गए, और दूसरे डिसिप्लिन में आप तैयारी नहीं कर पाए। तो मैं हमेशा छात्रों को ये सिखाता हूँ कि आप 20 में से 20 करने को टारगेट मत बनाओ, आप 20 में से 5 छोड़ने का टारगेट बनाओ, तब 15 हाथ में आएंगे आप। पीटी है तो क्वालिफाइंग ना, पीटी आपकी मेरिट में थोड़ी जुड़ रही है, मैं रिस्क जोन में आपको रहने नहीं दूंगा, अपने विषय में सेफ जोन में लाऊंगा। तो बात ही खत्म हो जाती है कि इतने बड़े बड़े रोज पढ़ना, उसका क्या औचित्य है? ये काम करना ही था तो फिर कोचिंग की क्या भूमिका है फिर, और टीचर क्या करेगा फिर? तो अपनी सूझबूझ से आपके काम को हल्का करता है, तीन चीजों में उसकी भूमिका है, कि वो डायरेक्शन देता है। सबसे नंबर वन भूमिका अध्यापक की है डायरेक्शन देना, डायरेक्शन स्थायी होता है, डायरेक्शन बिना दिए पढ़ाना टेम्प्रेरी होता है। तो डायरेक्शन देना, फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और उस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई अपडेशन को क्लास में लाना, और उनको ये बता देना कि ये सवाल इस तरह से बन सकते हैं, ये काम है टीचर का। टीचर का काम ये थोड़ी कि इसको वहाँ देख लेना, इसको वहाँ देख लेना। मैं क्यों कहूँ आपको कि इसको वहाँ देख लेना? मैं तो ये कहूँगा कि ये मैं करा रहा हूँ और इसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। अब सपोज पीएम आशा योजना है, तो मैं पीएम आशा को डिस्क्राइब थोड़ी करूँगा क्लास में, लेकिन मैं उसकी मेन बात को लिखाऊंगा, वो आपको पूरा पकड़ा देंगे सारा कुछ। तो ढूंढते रहिए फिर उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं चुनाव तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी बिना चुनाव के तो होगा नहीं। तो पब्लिक फाइनेंस में ये मैंने बताया कि सरकार का जो फाइनेंस है वो इसमें आएगा, टैक्सेज वगैरह, घाटे, आय के सोर्स। अब जैसे मैंने कहा आरबीआई सबसे ज़्यादा मुनाफा देता है, तो सरकार के दो सोर्सेज पर ज़्यादा बात होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। अब यूपीएससी ने पूछ लिया नॉन टैक्स इनकम में सर्वाधिक इनकम निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो आपको मुनाफों पर टिकनी पड़ेगी, मुनाफा, ब्याज, स्पेक्ट्रम, नीलामियां फलाना। तो आप क्या बोलोगे प्रॉफिट, वो मैं बताऊंगा उस समय। तो मैं अपडेट कर रहा हूं ना आपको अपने आप ही। अब सर्वे आएगा तो वो क्या अलग दे देगा आपको, आंकड़े तो देगा, क्या इस बात को सर्वे मिटा सकता है कि इस समय कौन सा सोर्स नंबर वन चल रहा है नॉन टैक्स में? उनको भी यही लिखना पड़ेगा, या वो अलग लिख देंगे क्योंकि वो सर्वे हैं? सर्वे सर्वा है क्या? सर्वे है। अगला जो ये खत्म हो जाएगा तब हम मनी बैंकिंग लेंगे। मनी एंड बैंकिंग, इसमें थोड़ा मैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स भी दूंगा, तो उसके नीचे आप लिख दें इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट। बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि सवाल बैंकिंग पे ज़्यादा आ रहे हैं,
और स्टॉक मार्केट पे कुछ चीज़ें रहेगी जिनको मैं समझाऊंगा, आपका थोड़ा ज्ञान सही हो जाए उसके लिए। और इसका रोल चौथे से टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें कुछ जानकारी इसकी होना ज़रूरी है। वापस बात करता हूँ, अगला आप लिखिए, जैसे फॉरेन सेक्टर। विदेशी क्षेत्र चार मेजर एरियाज बन रहे हैं, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, फॉरेन सेक्टर। और मैं पहले पहले इनको कर लेते हैं, और लास्ट वाला जो सेक्टर होगा वो सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर राइट। अब सोशल सेक्टर में दो चीजें आप मेरे से पढ़ चुके हो, अब मेरे पास वो बोर्ड की वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, एक गरीबी, ये सोशल सेक्टर में आती है, बेरोजगारी और एक मुद्रास्फीति, ये मेरे से आप नहीं पढ़े। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति को जन सामान्य से जुड़ा हुआ विषय होने के कारण मैंने इसको सोशल सेक्टर में ले लिया, ठीक है। तो ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, और मुद्रास्फीति लेंगे इसमें। तो ये पांच एरियाज बने आपके, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, फॉरेन सेक्टर और सोशल सेक्टर। अब ये जो मनी एंड बैंकिंग इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट है, तो ये इसमें वो सब आ जाएगा आपका, जितने भी रेटें हैं, एक तो जैसे आप कहते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, एमसीएलआर, टीजर रेट, राइट। इस तरह के ऐसे रेशियोज है कई तरह के, सीआरआर, एसएलआर, सीआरएआर, एनएसएफआर, एलसीआर, इस तरह के जो अनुपात हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत इन्हीं की करेंगे जब ये क्लास स्टार्ट होगी तब, फिर उसके बाद में कई दूसरी चीज़ें अलग अलग टॉपिक में जाएंगे, एनपीए, तो एनपीए में क्या चीज़ें हैं, परिभाषा क्या है, स्टेप्स क्या उठाए गए हैं, अलग अलग एरिया उठाएंगे। फिर माइक्रो फाइनेंस है, तो माइक्रो फाइनेंस में जाएंगे, और एनबीएफसीज हैं, तो एनबीएफसीज क्या होती है, और सारे जो उसको अब तक का जो उसमें इश्यूज है वो मैं कवर करूँगा, क्योंकि इस साल एनबीएफसीज काफ़ी चर्चा में रहे हैं, और मुद्रा बैंक वगैरह, आईएल एंड एफएस वगैरह, ये जितना भी सेगमेंट है, प्लस हमारे बैंकिंग बैंकों का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह की बेसिक्स भी हम देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग और कई तरह के कॉन्सेप्ट जो पढ़ाने के क्रम में हम लोग लिखेंगे। तो तीसरे नंबर पर ये रहेगा। जब फॉरेन सेक्टर आएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है, और ये जब तक किसी ने नहीं पढ़े हुए हैं तो ये पढ़ने का कोई तुक नहीं है, इसलिए इसको लास्ट में लिया फॉरेन सेक्टर, क्योंकि हमारी ब्याज दरें और अमेरिका की ब्याज दरें, अब ब्याज दर ही नहीं पता है तो इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तो ब्याज दर यहाँ आ गई। इसमें एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मेंस में भी आपको बताएं, फिर से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, जो पीटी के हिसाब से जो हमारा व्यू होगा वो प्रीलिम्स का व्यू होगा, पूरा एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट की टाइप्स पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल है तो वो क्यों फ्लेक्सिबल कहलाती है, फिक्स्ड क्या है, भारत में डर्टी फ्लोट है तो डर्टी फ्लोट का क्या मतलब है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, कंट्रीज डीवैल्यूएशन क्यों करते हैं, करने वाले को क्या नुकसान, दूसरों को क्या नुकसान,
इसी में IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO तीन ऑर्गेनाइजेशंस भी कराऊंगा इसी फॉरेन सेक्टर के अंदर। भारत में FDI की गणना कैसे होती है, कौन कौन से रूट है परमिशन के, उनके आंकड़े क्या है, टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं, भारत का व्यापार किन राष्ट्रों के साथ हो रहा है, वो राष्ट्र में नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है, जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा अधिशेष है वो राष्ट्र कौन है, जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा घाटा है वो राष्ट्र कौन है, भारत में कौन से राज्य कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राज्य स्तरीय एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी लूँगा, आपस में राज्य जो व्यापार कर रहे हैं उनमें कौन सा राज्य आगे चल रहा है, उसमें टॉप 5 राज्य कौन से हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिसमें कुछ पुराने आर्थिक सर्वेक्षण भी आपकी क्लास में आएंगे, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होते हैं ये एक साल का ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वाले भी काम में आ सकते हैं, और जो टॉपिक पिछले वाले आर्थिक सर्वेक्षण अपने अंदर ले लेते हैं वो अगले वालों में नहीं आते हैं, लेकिन उनके टॉपिक हटाने से वो टॉपिक भारत से थोड़ी खत्म होता है कि भारत से वो टॉपिक ही नदारद हो गया, लेकिन वो टॉपिक बना हुआ है, लेकिन दूसरे टॉपिक को जगह देने की वजह से उसको वहां से हटाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज वो ये कहेंगे कि ये तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो फिर से इसको देने का क्या तुक है, इसलिए भी वो हट जाता है। अब स्टूडेंट जो चल रहा है इकोनॉमिक सर्वे उस पर ज्यादा फोकस हो जाता है और सवाल आ रहे हैं पीछे वाले से। गूगल टैक्स तो 2016-17 में लागू हुआ और सवाल पूछ रहा 2018 में उस पर। अगर आप स्टूडेंट के हवाले इस काम को छोड़ दो तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, इसे उसको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। तो ये काम टीचर का है कि जब वो क्लास नोट्स को डेवलप कराता है तो उस समय ही वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे भारत में 2017-18 के बजट से प्लान और नॉन प्लान खर्च का वर्गीकरण समाप्त हो गया, इस पे जितनी बातें आनी थी आ चुकी, अब नए सर्वे में इनमें थोड़ी इनके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन टीचर को ये ध्यान रहना चाहिए कि ये डिवीजन था तो ये हट गया, इस पर भी सवाल आ सकता है। जो हट जाता है वो भी करंट अफेयर्स है। फिलोसफी कहता है अभाव की भी सत्ता है, जिसका अभाव है, अभाव का मतलब वो नहीं है लेकिन उसकी सत्ता है, क्यों, क्योंकि उस पर UPSC प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए उसकी सत्ता है। अब ये तो दोस्तों इस अनुभव के स्तर पे जाने के लिए है, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तो उसकी जरूरत क्या पड़ रही है, हम मशक्कत क्यों करें जब हमें सीधा सीधा कोई चीज मिल रही है, तो हम उस पर ट्रस्ट करें नहीं कि उस पर डाउट करें, और ट्रस्ट करके हम उस पर काम करेंगे तो ज्ञान में तो वैसे भी श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तब ज्ञान आता है। एक टीचर यूँ पढ़ा रहा है, एक आदमी ऐसे सोच रहा है, ऐसा है, होता है, इसको मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, बट हो क्या रहा है कि वो पैरेलल थॉट में चले गए ना उस समय, चाहे वो डाउट की वजह से गए या वो उस थॉट को किसी अन्य थॉट से तुलना कर रहे हो, जो भी कारण बना हो, या कोई घर का ख्याल आ गया हो उसी दौरान। जैसे मैं एक मनी लॉन्ड्रिंग की क्लास ले रहा था तो एक छात्र मेरे से क्लास के बाद में मिला, बोले सर जैसा आप पढ़ा रहे थे वैसे ही हादसा हमारे साथ हो गया। मैंने कहा तभी आप यूं किए हुए थे क्लास, क्या हो गया कि सर हम 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर लिए गोल्ड में। मैंने कहा 10 लाख से ज्यादा का फिर कि नोटिस आ गया सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा आप कमोडिटी मार्केट में लेन देन कर रहे हो तो आप, आपको ये जरूरी नहीं लगा कि इसके कानून पहले पढ़ लिए जाएं फिर काम करें। जी सर अब जो भी हुआ आप हमें कुछ मत कहो, रास्ता बताओ इसका। मैंने कहा इसका रास्ता मैं जो टीचर कैसे बता पाऊंगा, ये तो CA और दूसरे लोग बता सकते हैं आपको। फिर भी मैंने कहा मैं बता रहा हूँ आपको, वो देख लेना अगर हो सकता है। मैंने कहा आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है तो आप ये देखो कि
किसी से आपने माना कि पहले कभी उधार लिया हो तो ये बता सकते हो कि भाई हमने उनसे उधार लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ, क्रॉस कर गए हम लोग, हमारे पास इनकम का स्तर था, मतलब कहीं ना कहीं से लिया हुआ था। तो मैंने कहा रूल्स पढ़ो आप। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग सोचने लग जाते हैं, कुछ बात कोई और चल रही है, सोचने लग गए, तो वो फिर गलत है। तो दोस्तों ये तो मेरा वर्गीकरण हुआ आपके विषयों को लेकर, कैसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा दूसरी बात एक और सीखो आप साइंस पढ़ते हो तो अलग अलग जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, जैसे आप कहते हो इंडोक्राइन सिस्टम, आप कहते हो नर्वस सिस्टम, आप कहते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप कहते हो एक्सक्रेटरी सिस्टम, जितने मेरे को याद आ रहे हैं। अब वो क्या होता है कि हम अलग अलग पढ़ते हैं उनको, कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वभावगत वो कैसे एक दूसरे से अलग है ये हमें पता होना चाहिए, बट आपस में ये जुड़े हुए भी होते हैं। कोई भी सिस्टम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या एक इकोलॉजिकल माहौल में काम करता है। अब जैसे हम कहते हैं किसी का डायबिटीज लेवल हाई हो गया, इंसुलिन का जो फ्लो है वो प्रभावित हो गया, अब वो है इंडोक्राइन में आता है इंसुलिन, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन करते हो ज़्यादा। अब टेंशन तो नर्वस सिस्टम में होती है और वो इंडोक्राइन है, तो इसने उसको इम्पैक्ट किया। उसी तरह से दोस्तों इनको अलग अलग पढ़ने के बाद आपको ये भी सीखना है कि ये इसको कैसे इम्पैक्ट करता है और ये इसको कैसे इम्पैक्ट करता है। मैं इसके पड़ोसी को लिया, कहने का मतलब ये नहीं कि ये दोनों ही आपस में जुड़ते हैं, कहने का मतलब ये है कि हर आपस में जुड़ते हैं। मैं ठेठ वहां तक क्यों ले जाऊं जब ये पास में है तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं संसाधनों का ध्यान नहीं रखूंगा कि पड़ोस से ही समझा दूं, वहां तक जाने की क्या जरूरत। तो दोस्तों अगर देखो आप, अगर जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, आपको मेंस में बताया था, अगर जीडीपी बढ़ता है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर किस पर लगते हैं? वस्तु सेवा पर। तो देश के उत्पादन में आप किसको शामिल करते हैं? वस्तु सेवा। अगर जीएसटी कॉमन मान लेते हैं हमारे देश में 10% है, अब आपके देश में 100 रुपए की वस्तुएं हुई तो इससे गुणा होके कितने का कलेक्शन आएगा? 10 का। अगर आपका जीडीपी 200 हो जाए तो इससे कनेक्ट होके कितने का रेवेन्यू आएगा? 20 का। जीडीपी बढ़ने से टैक्स रेट नहीं बढ़ाई आपने, 10% ही रखी, लेकिन 100 जीडीपी है तो 10 रुपए आए, 20 रुपए जीडीपी है, सॉरी 200 रुपए जीडीपी है तो 20 रुपए आए। अच्छा, जो उत्पादन का मूल्य होता है वो इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक बहुत ही समझने योग्य बात है, कॉमन सेंस है कि किसी नाई की दुकान पे आप गए, आपने कहा कि कितने रुपए की कटिंग करी है आपने, मतलब कितनी प्रोडक्शन करी, कटिंग के रूप में होगा ना उनका प्रोडक्शन, तो वो कहेगा सर मैंने 100 कटिंग कितनी करी, इसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे तो जो पीपल के पेड़ के नीचे नाई बैठा हुआ है वो भी एक कटिंग कर रहा है, माना कि उससे भी हमने सवाल पूछा भाई तुमने कितनी कटिंग करी, कि मैंने एक करी। आप सैलून लेके बैठे हुए हो, आप भी कह रहे हो एक ही कटिंग करी, तो एक से हमें क्या समझ आए? तो आप पैसे बताओ कितने रुपए की कटिंग करी, ओ ये बताना है क्या कि हमने 200 रुपए की कटिंग करी, 200 रुपए की कटिंग एक ही थी लेकिन रुपये में 200 लिए थे, वेरी गुड।
और इधर उससे पूछा पीपल पेड़ वाले से कि तुमने कितने वगैरह 20 रुपए कटिंग उसने भी एक ही करी। तो इससे आप क्या समझे कि अगर हम मूल्य में उत्पादन मापेंगे तो अच्छा होगा। बातों में बता रहा हूं, अभी तो चैप्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ आपका। मूल्य में अगर हम उत्पादन बताएं तो उससे ज्यादा पता लगेगा ना, क्योंकि क्वालिटी में फर्क होता है। इकोनॉमी पढ़ाने के लिए सर किसी और को भी ला सकते थे, बहुत लोग हैं, नहीं लाए। ऑब्जर्वेशन सर का भी है, आज पहला स्टेटमेंट इनका देख के मुझे लगा कि सर ने मुझे बहुत ऑब्जर्व किया है, इन्होंने ऑब्जर्व कर रखा है मुझे। तभी तो पहली बार इन्होंने लाइन बोली मेरे सामने कि सर फोकस्ड है। उनको पता है कि कौन जस्टिस कर पाएगा बच्चों के साथ, तो वो काफी फाइनेंशियली उनको नीचे आना पड़ा मुझे एंगेज करने के लिए। तो दोस्तों अब इकोनॉमिक्स पढ़ाया एक टीचर ने, दूसरे ने भी, तो उनके क्या पेमेंट थे ये तो पता नहीं लग पा रहा है ना, केवल कि इन्होंने भी 20 घंटे या सपोज 50 घंटे पढ़ाए और इन्होंने भी 50 घंटे पढ़ाए, लेकिन दोनों में डिफरेंस हुआ ना एक तरह से। तो इसका तो साफ जाहिर है कि इनकम से उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के स्तर का पता लगेगा। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इस 100 रुपये के उत्पादन को फिर 100 रुपये की आय मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। अगर इस पर इनकम टैक्स लग जाए 10%, ये GST लगाया, अब मैं इनकम टैक्स इधर लगाऊंगा तो भी तो 10 रुपये की आय प्राप्त होगी। तो 10 और 10 20, और इधर भी फिर 20 रुपये की आय आएगी इनकम टैक्स। कहने का मतलब जब उत्पादन बढ़ता है तो इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, जिसको आप डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और वस्तुओं से प्राप्त होने वाले कर की भी बढ़ोतरी होती है। तो इसका मतलब ये इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर किसी समय मंदी आ जाए तो सरकार का बजट खराब हो जाएगा अपने आप ही, सरकारी घाटा बढ़ जाएगा, और सरकार को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो घाटा इसलिए नहीं बढ़ा कि खर्च ज्यादा हो गए, वो घाटा इसलिए बढ़ा कि इनकम गिर गई। वो घाटा इसलिए बढ़ा, इनकम गिर गए। इसका मतलब मंदियां सरकारी बजट पे असर डालती है, सरकार में घाटा ला सकती है। ये लेवल आप ले लोगे जिस दिन पढ़ते समय PT में, मेंस में, ये बस फिर आपको दोस्तों कुछ करने जैसा। अखबार पढ़ते रहिए, अपडेट करते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, अपडेट करते रहिए। अब कई बार सवाल कंसेप्चुअल बन जाते हैं कि एक देश की मंदियां निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न कर सकती है? सरकारी घाटों को बढ़ा सकती है, सरकारी घाटों को कम कर सकती है, घाटों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आपको कोई ट्रेडिशनल किताब में थोड़ी कोई बताएगा आपको कि वहां पे लिखा हुआ हो ये टॉपिक। ये तो मैंने यूं समझाया, अब यूं समझिए जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने जब आयोजन के लिए संसाधन जुटाव का मुद्दा आपको समझाया था, आपको याद होगा कि कर की दरें वहनीय होनी चाहिए, ऐसी दर होनी चाहिए जिसको लोग सहन कर सकें। सपोज ये जो इनकम टैक्स 10 रुपए का आ रहा है, हम 10% इनकम टैक्स लगा रहे हैं, अगर ये इनकम टैक्स 90% हो तो 100 रुपए का 90 रुपया सरकार ले जा रही है, तो वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, प्रोडक्शन हट जाएगा, ये 100 रुपए का ये सब हट जाएंगे, नीचे आ गया GDP की नहीं? क्यों आया नीचे? कि आपने टैक्स रेट को हाई कर दिया, पढ़ना पड़ेगा आपको, बच नहीं सकते। सर हम भी बचने की नहीं सोच रहे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी दें और बेहतरीन ढंग से दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। है कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा साथ दे देना बस कि नहीं सर हम कोऑपरेट कर रहे हैं आप ही के लिए, आप मुझे कोऑपरेट करो, मैं ये चाहता हूँ। तो
ये जब आ जाएगा तो फिर विश्लेषण का तो आपने एक हाई लेवल ले लिया, फिर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये टैक्स रेट ज्यादा होने से ये फर्क पड़ गया और ये इसको इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, कई बार ब्याज दरें ज्यादा होती है तो लोग निवेश नहीं करते, तो निवेश नहीं होने से इस पर इम्पैक्ट आएगा, इस पर इम्पैक्ट आके फिर इस पर आ जाएगा। इतनी ताकत है मेरे में भगवान की दया से कि मैं 10 घंटे में पूरी इकोनॉमिक्स ही निपटा के जा सकता हूँ, तो आपका सिलेबस ही खत्म हो जाएगा 10 घंटे। इतनी ताकत ईश्वर ने दे रखी है, वो उन्हीं की कृपा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि बिना उनके कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो ये लिंकेज एक्सप्लोर करने और कुछ नहीं। तो मनी बैंकिंग में ब्याज दर ज्यादा हो गई, अब आपने पिछले 2-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स मांग कर रहे हैं कि 50 आधार बिंदु रेपो रेट नीचे हो जाए। माना कि वो नीचे हो गई तो निवेश बढ़ गया, निवेश बढ़ने से प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इस पे असर आएगा, नो डाउट। तो ऐसे घूम के आएंगे, इसमें क्या हो गया। अब फॉरेन सेक्टर है, विदेशी क्षेत्र, अब जैसे हम ब्याज दरें छेड़ेंगे, नीचे लाएंगे, तो हमारे देश का निवेश, इंडिया में जो बाहर का निवेश है, ये पलटी मार के उधर चला जाएगा। अब ये रिलेशनशिप बन गया कॉम्प्लेक्स, और देयर आर फिनोमेना विच आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। नाउ अब वो जो पॉलिसी मेकर है उसको सोचना है कि ये ब्याज दर को गिराने का जो दबाव है, इसको अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो इसके लाइकली इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर क्या होंगे। तो ये इम्पैक्ट एक तो आ गया फॉरेन सेक्टर पर, और एक सोशल सेक्टर का टॉपिक है ये मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति पर हिट करेगा ये। दो एस्पेक्ट आ गए, ब्याज दर बढ़ाने से, ब्याज दर को कम करने से एक तरफ ग्रोथ है, समझना, एक तरफ ग्रोथ है, दूसरी तरफ विनिमय दर है, और तीसरी तरफ गरीब लोग हैं। इसको कहते हैं पॉलिसी डिलेमा। क्या कहते हैं? जिससे रोज गुजरोगे आप, जब आईएएस बन जाओगे तब मैं आपको याद आऊंगा कि सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मुझे तो विश्वास है, आप ना करो चाहे, क्योंकि मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। तो मेरा भी तो मन कहता होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ तो ये बात किस लेवल तक जा रही है। और जब इन्फ्लेशन आता है तो फिर सामाजिक न्याय प्रभावित होता है, विषमताओं का स्तर बढ़ जाता है, सभी लोगों को एक रेट की वस्तुएं जिस देश में मिलती हो, सभी लोगों को एक रेट की वस्तुएं, जितना मार्केट का विस्तार करोगे प्राइस यूनिफॉर्म हो जाएगी। मैं जब गांव जाता रहा, मतलब अपने गांव, मेरे फादर माताजी पहले एक्सपायर कर गई, और मेरे फादर इस बात को बहुत अच्छे से जानते कि रामेश्वर को चाय बहुत पसंद है, ठीक। तो मैं जब गांव गया तो बाबूजी बोले मुझे कि मैं दूध लेके आता हूँ, ठीक है, चाय पियोगे। मैं तो इतना ही रखता हूँ कि भाई जिससे मेरा काम चल जाए, अभी दूध नहीं है तो मैं फटाफट लेके आ रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी, मैं कोई मेहमान बन के थोड़ी अपने घर गया था, मैं तो वहीं अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ गांव में। लेकिन उनको पता है कि ये थकावा आया, चाय पिएगा, ये बोलेगा कुछ नहीं, लिए इसको चाय चाहिए, चाय के लिए दूध चाहिए। और दूध है नहीं, वो लेके आए दूध, तो थैली लेके आए। मैंने कहा बोझे अपने गांव में थैली कब से चलने लगी है दूध की, ये दूध वाली थैली अपने गांव से थैली के, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा है, वहाँ पे प्रोसेस। मैंने कहा वहाँ से थैली का दूध हमारे यहाँ आ रहा है क्या? ये हमारे यहाँ से तो डेयरी का कलेक्शन होता है, कलेक्शन सेंटर है यहाँ से हम लोग, मैं भी बचपन में दूध देने जाता रहा हूँ, मैंने भी दूध दिया हुआ है, वहाँ जाके अपनी माता जी थोड़ा निकालती थी और मैं डेयरी में देने जाता था। तभी तो आपको मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतने अच्छे से पढ़ाया।
लेकिन आप मुझे प्योरली देहाती नहीं कह सकते। कि ये देहात क्या है, लेकिन मैं तो आपको दूसरे हाई फाई इकोनॉमिक्स भी बता रहा हूं कि भाई उधर वाला पक्ष मजबूत है, इधर कमजोर दिखते हैं ऐसे, जो आमतौर पर लोग धारणा बना लेते हैं। जब मैं भूमि सुधार स्टार्ट करता हूँ, गरीबी स्टार्ट करता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि सर गरीब है। इनको और कुछ नहीं आता दिखता है इकोनॉमिक्स में, जो ये गरीबी से स्टार्ट करते हैं। ये कई लोग मेरे लिए जो मेरे मतलब एक तरह से सोचते हैं कि आदमी राइज क्यों कर गया। अब मुझे तो नहीं लगता मैं राइज कर रहा हूँ, कि क्या लोगों को लगता है, मुझे तो कुछ नहीं लगता है, बट दे थिंक लाइक दिस। तो उनके पास कोई पॉइंट नहीं होता है वो। मैं तो वैसे किसी के साथ ही नहीं रहता हूँ, मैं तो अपने काम, लेकिन कोई कोई बात आ जाती है, जैसे सर ही मिल गए तो सर बता दिए कोई बात, तो लोग कहते हैं वो तो सर गरीबी से क्लास शुरू करते हैं या भूमि सुधार से शुरू करते हैं, उनके पास है क्या पढ़ाने के लिए, यही सब पढ़ाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो जो कह रहे हैं मुझे तो स्टूडेंट देखना है, स्टूडेंट किस टॉपिक से बढ़िया एंट्री ले सकता है। भूमि सुधार उसको अच्छा समझ में आता है तो भूमि सुधार से उसकी एंट्री दिलाएं, गरीबी अच्छा समझ में आता है तो गरीबी से उसकी एंट्री दिलाएं। जब वो सहज हो जाएगा तब तो उसका अधिगम बढ़ेगा। कि पहले ही मैं इसमें आ जाऊँ फॉरेन सेक्टर, मैं बता दूँ आपको आपकी जानकारी के लिए, वैसे मुझे डिस्कस नहीं करना, मेरा स्पेशलाइजेशन इसमें है फॉरेन सेक्टर में, मैंने इसी पर ज़्यादा काम किया हुआ है, और इसी में मेरे एमए वगैरह में आगे की जो मेरे हायर एकेडमिक्स हैं वो फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड हैं। इस हिसाब से तो मुझे ये उठाना चाहिए, ये मैं नहीं कर, जो है वो है, उसमें उसको बीच में घुसाने का कोई तर्क नहीं है। खैर एनीवे, तो वो दूध मेरे फादर लेके आए, तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा क्या रेट मिला आपको ये दूध, कि वही रेट जो सब जगह होता है, 50 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर, उस समय की बात है 40, ऐसा कुछ बता रहे थे, जो मुझे लगा कि ये रेट तो दिल्ली में भी है। तो यूनिफॉर्म हो गया ना, मार्केट साइज बड़ा, मार्केट आपस में मिल गए हैं। तो आज आप नहीं कह सकते कि गाँव में दूध सस्ता है, अब 2 रुपये पर थैली रेट बढ़ा दिया तो गाँव में भी बढ़ जाएगा, अब वो गरीब व्यक्ति के लिए वो 2 रुपया आनुपातिक रूप से बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष कर का ज्यादा प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब देखो आप, अप्रत्यक्ष कर का ज्यादा प्रयोग नहीं, तो ये पब्लिक फाइनेंस किससे जुड़ गया, गरीबी से। तो एज यू डेवलप योर सेल्फ यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एनी फिनोमिना, दैट हाउ अ टैक्स कैन इम्पैक्ट नेशनल इनकम एंड हाउ अ टैक्स कैन इम्पैक्ट सोशल टॉपिक्स लाइक पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, तो इस तरह से इनके बीच में जो आपस में इंटीग्रेशन है वो भी आपको समझना चाहिए। तो उसको करने के बाद फिर दोस्तों आराम से आपका बढ़िया पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। संसाधनों के रूप में कि हम क्या संसाधन इस्तेमाल करें पढ़ने के क्रम में, तो आप ज़्यादा मत उलझो, एक तो मेरी राय है आपको, आप क्लास पे फोकस करना, जितना काम हो सकता है हम एक दिन में एक पेज लिखें या जो भी है, तो आप उतना ही पढ़ के आओ जितना, क्योंकि क्या होगा कि आप डाइवर्ट हो जाओगे, कि अब मैं पहले भी कुछ नहीं बता सकता, ना मैंने पहले बताया कि मेरी क्लास के लिए पहले ये पढ़ो, आप जो है हमें 0 से ऊपर तक क्लास में ले जाना है। अब मैं आपको कहूँ कि ये किताब पढ़ के आइए, तो होगा क्या, मुझे पता है किताबें जो मैं भी बताता हूँ, और विकल्प नहीं है ना, जो है वो है, तो उसमें अननेसेसरी आप अलग अलग उलझोगे, कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, तो ऊर्जा को क्यों वेस्ट करना, टाइम को भी बचाना है। तो जब मैं क्लास में खुद ही समझाऊंगा आपको, तो उसके साथ साथ चलना है। तो रिसोर्स में बाकी जो मैंने मेंस में आपको बताया, NCERT 11वीं क्लास की या IC डिंगरा की किताब, कोई सी भी एक इसमें ले लो आप, अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे पढ़ाने का जो तरीका और शुरुआती बिंदु होंगे वो उन किताबों से मिलते जुलते नहीं होंगे। अब राष्ट्रीय आय में कल पढ़ाऊंगा तो GDP से स्टार्ट होगा, अब आप कुछ किताबें उठाओगे तो उसमें सर्कुलर फ्लो बताएंगे, कि आय का चक्राकार प्रवाह, इसे घुमा के बताएंगे।
उसको न मांग पता है, न उसको आय को समझ पा रहा, न प्रोडक्शन को समझ पा रहा, पहले ही चक्र बना दिया उसने। तो आप, मैं ये तो स्थापित नहीं कर रहा हूँ कि किताबें गलत हैं, लेकिन किताबें लिखी गई है इस मान्यता पर कि एक अध्यापक होगा समझाने के लिए, इस मान्यता पर लिखी हुई है, इसलिए वो अपने अंदाज से चल रही है। मैं चक्राकार प्रवाह आपको बिना डायग्राम बनाए लास्ट में समझा दूंगा कि ये सारे आपस में बराबर हो गए, और उसके लिए मैं CSO का टेबल आपके हाथ में देकर अप्लाइड में समझाऊंगा, जिसका वो डायग्राम बना के समझा रहे हैं और उसका ABCD भी नहीं पकड़ में आ रहा है। अब आप, मैंने क्लास स्टार्ट करी, किताब रिकमेंड करी, अब आपने GDP का पहले चैप्टर ढूंढा उसमें और वो चक्राकार समझा रहा है, मेरी क्लास चल रही है GDP क्या है, तो मैच नहीं किया, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आप किताबें रख लो, चाहे उसको आप क्लास खत्म होने के बाद पढ़ लो कि अब पूरा कोर्स हो गया, अब पढ़ते हैं इन किताबों, तो आपको कुछ समझ बढ़ेगी उसमें। बाकी आप फ्री हैं, मेरी ओर से कोई, मैं सीक्वेंस आपके लिए सेट नहीं कर रहा हूँ, अपनी ओर से बता रहा हूँ भाई। किताब वही है एक दो, NCERT की ले लीजिए या फिर और IC ढिंगरा ले लीजिए। दूसरा क्या है कि आप अनसोल्ड पेपर पे फोकस करिए ज़्यादा, और ज़्यादा टेस्ट और उसके बजाय पुराने पेपर से पैटर्न के ऊपर वर्क करिए। ये मैं मेंस में भी आपको सुझाव दिया, फिर मैं इस बात को कहूँगा। और हमेशा वर्टिकल अप्रोच रखिए, जो PT पढ़ रहे हो तो कहीं मेंस में इसका कोई भाग तो नहीं आ जाएगा, विश्लेषण में क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ, निबंध में क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ, साक्षात्कार में क्या इसकी भूमिका है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, कोर्स तो वही चल रहा है।